लोगों को इंसाफ दिलाने की मुहिम में रियलिटी मीडिया आज एक कदम आगे और बढ़ गया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश शर्मा जी, जो कि सारे ग्रुप्स के इन्वेस्टर हैं। सर, सारे होम्स में आपने किस प्रोजेक्ट में और कब इन्वेस्ट किया था? मैंने उनका गुड़गांव की एक प्रोजेक्ट थी, इनमें हमने एक फ्लैट बुक कराई थी वैसे, और अपने वाइफ के नाम कराया था बेसिकली, और उसके लिए उन्होंने बुकिंग के नाम पे 50,000 रुपये का चेक दिया था मैंने उनको, और वो बाद में उन्होंने एज ए क्योंकि लोन होना था तो लोन अप्रूव नहीं हो पाया क्योंकि हमारा वाइफ का रेंटल इनकम था उसके अंदर, तो वो कैंसिल हो गया। उसके बाद से मैं उनको कई बार मेल भी लिखा है कि हमें पैसे वापस दे दिया जाए, वो केवल आश्वासन ही देते रह गए, आज तक पैसे वापस मिले नहीं है। कितना समय हो गया सर इस बात को बीते हुए? आई थिंक 2 साल होने वाले हैं। तो सो 2 साल के हिसाब से यदि अगर उस 50,000 रुपये के ऊपर ब्याज भी लगाया जाए तो कहीं ना कहीं वो पैसा इस समय तकरीबन मैंने कई बार उनको मेल लिखा है इस बाबत कि आप मुझे पैसे वापस दे दीजिए, उनको केवल आश्वासन ही, क्योंकि रिटर्न में तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, केवल फ़ोन पे या वैसे भी बात करते रहे कि आपका जो है वो प्रोसेस में है। किससे बात हो रही है आपकी सारे होम्स में? वैसे तो मेरे को जो उन्होंने बात करवाया था मिस्टर राजीव, उनके ऊपर एक हेड है, उन्होंने जितेंद्र मठियानी जी हैं, और उसके बाद फिर मेरे मनीष चोपड़ा जी हैं, तो उनसे लोन वगैरह के रिगार्डिंग तो उन्हीं से बात हो रही थी, और लोन से रिलेटेड भी उन्होंने भी कुछ पैसे वैसे भी लिया था उन्होंने लोन अप्रूव कराने के लिए, तो और उसके बाद फिर उनसे बात संपर्क में आई नहीं, फिर उसके बाद उन्होंने फिर। तो आपको कहीं ये शक तो नहीं गया कभी आज तक कि आपके उस 50,000 रुपये को 2 साल तक वो कहीं और इन्वेस्ट करके आपके पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं क्या बिल्डर? हो सकता है लेकिन हम इतनी गहराई में नहीं गए, क्योंकि एज ए कस्टमर हमारी एक्चुअली जो बीच के जो मेडिटर्स थे उनके मार्फत ज़्यादा बात हो रही थी, तो अब वो कंपनी में हम एक बार वहाँ गए भी थे इनके पास पैसे के रिगार्डिंग भी, लेकिन वहाँ पे केवल आश्वासन दे के ही वापस भेज दिया जाता था उनको बार बार। तो क्या आपका कभी मन नहीं करता कि इतने बड़े घोटाले को, जैसे आप ग्राहक हैं तो ऐसे कई और ग्राहक भी होंगे जिनके साथ एक घोटाला हुआ है? अब जाके ज़्यादा पता चल रहा है कि इन्होंने काफ़ी लोगों के साथ इस तरह से किया हुआ है, क्योंकि उस टाइम तक तो इतना ज़्यादा वो नहीं था कि हाँ शायद हमें ये लग रहा था कि हमारे वजह से लोन जो है अप्रूव नहीं हुआ तो मैं ही एक अकेला कस्टमर हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये लोग काफ़ी सारे लोगों के साथ इस तरह की घटना किया हुआ है, तो अब ज़्यादा दुख हो रहा है। तो कभी आपने सोचा कि कोई कानूनी कार्रवाई या मीडिया की मदद से कोई ऐसी अपनी आवाज़ को बुलंद कराया जाए, कहीं एक प्लेटफॉर्म पे जगह दी जाए अपनी आवाज़? तक तो नहीं लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि अगर इतने सारे लोगों के साथ किया गया है तो इसका मतलब हमारे साथ ही फ्रॉड किया गया है। पहले तो ये लग रहा था कि चलो हमारे अंदर कमी है जिसकी वजह से हमें लोन अप्रूव नहीं हुआ तो हम एलिजिबल नहीं हुए, और अब अगर इस तरह से मामले खुल के आए हैं, काफ़ी सारे लोगों ने को पता चला है कि बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने ऐसे किया है जिसमें मैं एक हूँ, तो अब मुझे लग रहा है कि आगे बढ़नी चाहिए और ये गहराई तक जाना चाहिए। तो सर, उस पूरी प्रक्रिया में जब आप लोन पास करवा रहे थे तो क्या आश्वासन दिया था आपको सारे होम्स ने? क्या कोई पैसा उनकी तरफ से मांगा गया था लोन पास कराने के लिए ऐसा कुछ? जी, मनीष चोपड़ा जी नाम के एक व्यक्ति थे, व्यक्ति क्या उन्होंने शायद अच्छे पोस्ट पे हैं, उन्होंने ही लोन अप्रूव कराने की प्रॉमिस किया था और उन्हें पैसे भी लिए थे, लेकिन वो पैसे कैश में दिया गया था, उसका कोई डिटेल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन वो और वो कितने पैसे लिए थे उन्होंने? 25,000 लिया हुआ था। तो मतलब 50,000 आपने टोकन मनी दिया, 25,000 लोन पास कराने के, कुल मिला के 75,000 रुपये जो पिछले 2 साल से सारे होम्स में फंसा हुआ है, और आप ही की तरह आपके अंदाज से कितने और ग्राहक होंगे जिनका पैसा इस तरीके से फंसा हुआ अंदाजतन आपके हिसाब से? तो मुझे जहाँ तक नॉलेज है अब तो हजारों की संख्या में वैसे लोग आए हैं जिन्होंने एक ही फ्लैट को 3-4 बार इन्होंने रीसेल कर दिया हुआ है, बुकिंग के नाम में फ्लैट लिया, वो उन्होंने फिर 1-2 महीने बाद फिर रिलीज कर दिया, फिर उसके बाद फिर दूसरे लोगों से लिया, फिर दूसरे लोगों को बेच दिया, और पता नहीं कितने लोग हैं, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि हजारों में होंगे वैसे लोग। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पिछली खबर जो कि सारे होम्स पर थी उसमें भी हमने इस बात को उजागर करने की कोशिश करी कि सारे होम्स कितने बड़े स्तर पर एक घोटाला चला रहा है, और आज उसी घोटाले का जीता जाता सबूत हमारे साथ मौजूद है। क्या इस घोटाले की कोई CBI जांच अब होनी चाहिए या नहीं, आप हमें अपने कमेंट्स करके बता सकते हैं realitymedia.in पर।